एशियाई खेलों में भारत के लिए एक और बेहतर दिन है। भारत ने एशियाई खेलों में 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 60 पदक का आंकड़ा छू लिया है। भारत की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक जीता है, जबकि प्रीति लामा ने कांस्य पदक जीता। भारत ने मिश्रित रिले में भी रजत पदक जीता है। भारत के लिए अभी 6 दिन का खेल बाकी है और 100 पदक तक पहुंचना काफी संभव लग रहा है। भारत एशियाई खेलों में 13 गोल्ड, 24 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज के साथ चौथे स्थान पर काबिज है। भारत की कुल पदक की संख्या 60 हो गई है। बता दें कि 1500 मीटर की रेस में अजय कुमार सरोज का प्रदर्शन उम्दा रहा। एक समय पर अजय गोल्ड मेडल जीतने के दावेदार भी नजर आ रहे थे, लेकिन आखिर में उनकी झोली में सिल्वर मेडल आया। अजय ने अपनी रेस 3 घंटा 38 मिनट 94 सेकंड के समय में पूरी की। वहीं जिनसन जॉनसन ने अपनी रेस को पूरी करने के लिए 3 घंटा 39 मिनट 74 सेकंड का समय लिया। जॉनसन के हाथ में ब्रॉन्ज मेडल लगा। भारत के किरण बालियान ने एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की शॉर्ट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। यह इस एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में भारत का पहला पदक था। उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 17.36 मीटर थ्रो करके कांस्य पदक अपने नाम किया है। किरण बालियान ने शॉर्ट पुट में भारत को एशियन गेम्स में 72 सालों बाद मेडल दिलाया है। एशियाई खेलों में ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय एथलीट्स कमाल दिखा रहे हैं। सोमवार को महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी कमाल कर दिखाया। पारुल ने रजत पदक जीता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली पारुल के नाम 3000 मीटर स्टीपल चेज का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। इतना ही नहीं, वह 3000 मीटर दौड़ में भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।